शांति आज के इस प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। आप स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे थे और उसको आपने जारी रखा। फिर 1972 में जब आपने अपनी मैट्रिक की एग्ज़ाम पास की, तो अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं, और इसलिए आरंभ में आपने गुजरात के अंदर अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा और सूरत आदि स्थानों पर सेवाएं दी, और फिर लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में आपने अपनी सेवाएं दी। बाबा की सेवाओं का विस्तार किया गुजरात में, और 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहां बिठाया और करीब 18 वर्षों तक वहां रहकर आपने ज्ञान सरोवर का रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि सेवाएं संभाली, और बाद में तो नीचे शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ते गया। तो 2010 और 11 में बाबा ने आपको शांतिवन में निमित्त बनाया। तो वर्तमान में शांतिवन में रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में और पूरे ही देश भर में आप अपनी सेवाएं देते हैं। आप राजयोग प्रशिक्षिका हैं, SML की प्रशिक्षिका हैं, भट्ठी की प्रशिक्षिका हैं, टीचर्स ट्रेनिंग की प्रशिक्षिका हैं, और साथ साथ हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, और इसलिए पूरे भारत भर में कभी शिविर कराने, कभी भट्ठी कराने, कभी SML कोर्सेज कराने, और कभी बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम्स कराने भ्रमण करते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त दादी रतन मोहिनी के अंग संग रहकर उनके कारोबार में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाबा की मुरलियों का बहुत गहन चिंतन करते हैं, बहुत सुंदर योगानुभूति करते हैं। तो आज उनके अनुभव से हम सुनेंगे कि हम अपनी तकदीर को हीरे जैसा बना सके उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। आदरणीय दीदी जी, ओम शांति। संगम युग में वर्तमान भी श्रेष्ठ बनता है, भूतकाल भी मिटता है और भविष्य भी बनता है। हमारा वर्तमान जो है वो हमारे भूतकाल का रिजल्ट है। और हमारे वर्तमान का जो पुरुषार्थ है उससे हमारा
भविष्य बनता है। तो बाबा हम बच्चों को हमारे वर्तमान कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान देते हैं। भूतकाल के पापों को भस्म करने की विधि सिखाते हैं और सत्कर्मों को जमा करने की भी विधि सिखाते हैं ताकि भाग्य बन सके। तो ये समय है जब अनेक प्रकार का पुरुषार्थ हमें करना है। बाबा कहते हैं 63 जन्मों का उधार है सिर पर, क्योंकि द्वापर युग से लेकर कलयुग अंत तक कुछ भी जमा नहीं हुआ। बल दान पुण्य किए, अल्पकाल का फल मिला, पर वो समय उतरती कला का, तो दान पुण्य करते हुए भी चढ़ नहीं सके, उतरते गए। तो बाबा कहते हैं कि संगम युग में दो कार्य करने हैं, 63 जन्मों का उधार चुकाना है और 21 जन्मों के लिए जमा करना है, क्योंकि द्वापर से तो उतरती कला हुई। जैसे ही आत्मा विस्मृत हुए, देहभान में आए, दैहिक आकर्षणों में आत्मा आने लगी, विकार उत्पन्न हुए, तो पतित बनने लगे और देहभान के वश जो भी कर्म करते हैं वो तो पाप कर्म ही होता है। तो अब बाबा हम बच्चों को कहते हैं, क्योंकि जो कुछ दुख शांति अनुभव होते हैं वो हमारे अपने ही कर्मों के हिसाब किताब है। तो अब बाबा हमें 3 बातें कहते हैं। 1 कि अब नए कोई पाप हमें नहीं करने, है ना, किए हुए पापों का हिसाब चुकाना है तो नए पाप नहीं करने। ज्ञान नहीं था तो विकारों में गोते लगाते रहे, पर अब तो हमें सत्य ज्ञान मिला है, अब हम सब कुछ जानते हैं, आदि मध्य
अंत, आलोक परलोक, रचयिता और रचना के राज को जानते हैं। बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें दे दिया है। हम न जानते हो ऐसी कोई भी बात नहीं। क्या लगता है? ऐसे ही लगता है? जब ज्ञान स्वरूप बनकर सोचते हैं तो हर बात बाबा ने हमें बताई है। जो हमारा लक्ष्य है, मनुष्य से देवता बनने के लिए जो जरूरी है, वो सब बातें बाबा ने हमें बताई है। व्यावहारिक स्तर की भी हर बातें सिखाई हैं और आत्मा को ऊंची आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करने के हिसाब से भी सारी बातें बाबा ने बताई। इसलिए बाबा कहते हैं अब गफलत नहीं कर। चलो अब तक जो कुछ किया ड्रामा, ज्ञान नहीं था, जानते नहीं थे अपने आप को, तो बाबा ने कहा ड्रामा फुल स्टॉप लगाओ। पर अब बाबा हमसे क्या चाहते कि अब नई भूलें, नए पाप नहीं करने। किए हुए का बोझ ही सिर पर चढ़ा हुआ तो नए नहीं करने। नए का हिसाब तो क्या है? एक का 100 गुना, वो तो बहुत भारी हिसाब है। इसलिए इस अलौकिक जन्म में बहुत जागृत होकर चलना है, ज्ञान स्वरूप बनकर चलना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं इस जन्म में ज्ञान से पहले, ज्ञान के बाद भी अगर कोई भूले पाप किए हैं तो बाबा कहते हैं सच्चाई से बाप को बता दो। सच्चाई से अपनी जीवन कहानी लिख कर दे दो। बाबा से छिपाना नहीं, छिपाएंगे तो वृद्धि होंगी। बाबा कहते हैं ना, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है तब तो भूले हुई, तब तो पाप हुआ, तो छिपाने से मिटेगा नहीं। इससे तो अच्छा है बाबा को सच्चाई से बता दे, अपनी जीवन की किताब बाबा के सामने खोल दे। जबकि मैं बाबा की हूं तो बाबा मेरे जीवन को देख ले। तो बाबा ने कहा है कि आधा माफ हो जाए। ये भगवान की ऑफर है हमें, ये सामान्य बात नहीं है।
बहुत बड़ी बाबा की हमें मदद है। स्पेशल भगवान के आने पर ये ऑफर है, वरना कर्म का सिद्धांत तो ये है कि जो करेंगे उसका फल भोगना ही है, वो माफ नहीं होता है। कर्म में आया माना हिसाब बन गया, और वो हिसाब मुझे ही चुकाना होता है। पर ये संगम युग में स्पेशली बाबा के आने पर बाबा हमें ये ऑफर देते हैं, क्योंकि ज्ञान मिल गया तो परख तो आ गई ना कि जीवन में हमने राइट क्या किया है और रॉन्ग क्या किया है। तो वो सच्चाई से लिख दे, तो इससे आत्मा हल्की हो जाती, नहीं तो अंदर अंदर वो पाप कचोटते रहते, दिल को खाते रहते। वो कर्म बार बार बुद्धि के नेत्र के सामने आते रहते। इसलिए अगर हल्कापन चाहिए, मन बुद्धि की शुद्धि चाहिए, तो बाबा को लिख के दे दे। पहले तो हम भट्टी में आते थे वर्ष में दो बार, रक्षाबंधन और शिवरात्रि पर पूरी जीवन कहानी लिखाते। अब परिवार बड़ा हो गया, दादियां है नहीं, अब खुद अपनी जीवन कहानी लिखकर बाबा के कमरे में है ना, पत्र बॉक्स है ना, उसमें डाल दो। बाबा को सच्चाई से लिख के देना है। और बाबा को लिख के देने का मतलब है, इसका अर्थ क्या हुआ, दोबारा नहीं करना। बाबा को लिख के देने का मतलब क्या है, दोबारा वो कर्म मुझ आत्मा से ना हो। और तीसरी बात, बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर से किए हुए पापों का जो बोझ है, हिसाब है, वो योग बल से भस्म करो। बार 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 जो कर्म में आता है वो संस्कार बन जाता है, आदत बन जाती है, और उस आदत के वश फिर भूले होती रहती। तो बाबा कहते हैं योग बल से भस्म करो। क्यों हम भट्टी में बैठते हैं, क्यों समय निकाल कर विशेष बाबा को याद करते हैं, ताकि हम अपनी गहरी रियलाइजेशन करें और दिल से बाबा को अर्पण कर दें और अपने असली शुद्ध स्वरूप को याद करें, महसूस करें। क्योंकि संस्कार के वश फिर कर्म होता है, तो हम रियलाइज करते हैं कि मैं ओरिजिनली शुद्ध सत्य आत्मा,
ये मध्य के संस्कार है, द्वापर के संस्कार। अब हम ऐसा नहीं कहेंगे कि मेरा आदत ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसा है, नहीं। अब हमें सत्य पता चल गया है कि हमारे ओरिजिनल संस्कार तो कौन से हैं, जो हमारे अनादि संस्कार है, कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रकाश हूँ, शक्ति हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। हमारी ओरिजिनालिटी और हमारी रियलिटी तो ये है। कल बाबा ने कहा ना कि पवित्रता ही परमात्मा प्राप्तियों का आधार है। पवित्रता से ही सुख शांति होते, जितनी अपवित्रता उतना दुख शांति के बीज बो रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं ना, अपवित्रता के वश कर्म करते फिर जो दुख शांति भोगते हैं तो इंसान अपना नसीब कूटता है। मेरे नसीब में ऐसे लिखा है, मेरा भाग्य ही फूटा हुआ है, ऐसा है। पर भाग्य कोई और चीज नहीं है, भाग्य क्या है? हमारे ही कर्मों का संचित हिसाब, उसको भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई और चीज नहीं, भाग्य कोई और नहीं लिखता है। हम खुद ही कर्म की कलम से अपना भाग्य लिखते। बाबा ने तो कहा है ना कि श्रेष्ठ कर्म की कलम से तकदीर की लकीर जितनी लंबी खींचना चाहो खींच सकते। अपने कर्म पर है। बाबा ने तो हमारा टोटल हमारी पर्सनालिटी ही बाबा ने पवित्र बना दी है। सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन संकल्प, वाइब्रेशंस, मन के सूक्ष्म भाव, भावनाएं, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, सब कुछ बाबा ने चेंज किया। कर्म ठोस चीज है, तो पहला कंट्रोल कर्म में लाना है, और वो बाबा ने वही शक्ति हमें दे दी। देखो, बाबा के बने सत्य ज्ञान मिला, आत्मा जाग गई, कर्म में सुधार आ गया। कर्म में कंट्रोल आ गया। देखो, कर्म का ब्रह्मचर्य हम पालन करते, फिर हम और पुरुषार्थी हैं कि वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सब में शुद्धि हो, सब में पवित्रता हो। तो ये संगम युग का समय है जब बाबा सत्य ज्ञान और योग की शक्ति से टोटल पर्सनालिटी को चेंज कर रहे।
ऊपरी ऊपरी परिवर्तन नहीं, बाहरी बाहरी टेम्पररी चेंज नहीं, लेकिन रूट से चेंज, जड़ों से परिवर्तन बाबा कर रहे हैं। जड़ों से चेंज माना हमारी आंतरिक पर्सनालिटी में चेंज बाबा ला रहे। कर्म में परिवर्तन तो ज्ञान में आते ही हो गए। 7 दिन का ज्ञान लिया और हम बाबा के बन गए। हमारा आहार विहार व्यवहार पहरवाइश संग वांछन दिनचर्या सब कुछ चेंज हो गया। एक पूरे अच्छे स्ट्रक्चर में हम सेट हो गए। अब हम पुरुषार्थ करते हैं कि जैसे हम एक स्ट्रक्चर में सेटल हुए हैं तो अब हमारा अंदर भी कोई हलचल ना, मन भी सेट हो जाए, वृत्ति भी सेट हो जाए, हम उसका पुरुषार्थ करते। तो एक है स्व पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, जो रोज बाबा ज्ञान देते हैं उसको हम रोज अभ्यास में लाते हैं, रोज बाबा पढ़ाते हैं, हम रोज होमवर्क करते हैं। सुबह बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं, उसमें से 5, 7, 10 पॉइंट निकालते हैं और सारा दिन अटेंशन में रखते हैं। रोज की पढ़ाई रोज अभ्यास में लाने। मुरली का सार निकालते हैं, मुख्य बातें अंडरलाइन करते हैं। आज जो बाबा ने कहा वो आज मुझे धारण करना, ये हमारा रोज का पुरुषार्थ। ये लाइफ लॉन्ग पुरुषार्थ है ना। बाबा कहते हैं ना, मैं जानता हूं, ऐसे ही भूत सहज भागेंगे नहीं, लगे रहना होगा। कल भी बाबा ने 2 शब्द यूज किए ना कि लात और तात लगी रहे, ये चाहिए, लगन लगी रहे। सत्य मिल चुका है, बाबा मिल चुके, अब हमें कुछ खोजना नहीं है, अब हमें कहीं भटकना नहीं है, सत्य हाथ में आ गए। अब हमारा पुरुषार्थ है कि उसको मुझे स्वरूप में लाना। पढ़ेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, किसी को सुनाएंगे, अभ्यास में लाएंगे, अनुभव होगा, तब जाके फिर हम अनुभव की अथॉरिटी। टीचर तो एक सरीखा सबको पढ़ा देते,
पर नंबर कौन सा विद्यार्थी लेता है, कौन सा जो अच्छा होमवर्क करता है, जो अच्छा फॉलोअप करता है। इसलिए बाबा रोज कहते हैं हमें, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है, ये सिर्फ सत्संग नहीं है, ये पढ़ाई है। पढ़ाई मीन्स एम, ऑब्जेक्ट, लक्ष्य है। तपस्या का लक्ष्य है, साधना का लक्ष्य है आत्मशुद्धि और परमात्मा से पूर्ण प्राप्ति। भक्ति में भी जो लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो लक्ष्य होता है, एक तो आत्मशुद्धि का और परमात्मा प्राप्ति का। वो भगवान को पाने के लिए साधना करते, हमें भगवान मिल चुका है, हमें तो भगवान ने ही साधना सिखाई। हम तपस्या क्यों करते हैं? वो तो लक्ष्य है ही, पर परमात्मा से पूर्ण प्राप्ति के लिए। हमें भगवान से पूरा वर्षा लेना है। तो वो पुरुषार्थ कितना है? खुद पुरुषार्थ से स्थिति बनानी है और स्थिति से फिर स्वरूप बनता है। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाना, वही लक्ष्य है बाप समान बनना। तो ऐसा पुरुषार्थ करके प्रैक्टिकल में मुझे बनना है। दूसरा है सर्व से ऐसा सुखदायी व्यवहार करें जो सबकी दुआएं मिले, वो जमा करनी है। कोई बहुत बड़े विघ्न से बच जाता है तो क्या कहते, भाई दुआएं काम आती है। तो ज्ञानी अज्ञानी, लौकिक अलौकिक, हर आत्मा के साथ सुखदाई व्यवहार। कल भी बाबा ने बताया ना, तीन प्रकार से दुआएं ले ली, खुद खुद से, बाबा से, निमित्त आत्माओं से। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। खुद संतुष्ट रहना, हमें जीवन में जो कुछ मिला है एक एक्यूरेट मिला है, एक्यूरेट मिला है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें कोई पक्षपात अन्याय नहीं है। आपको देखने में लगेगा
पर ये भी हिसाब किताब होता है। बाबा के तरफ से निमित्त हैं सेवा में, चाहे लौकिक परिवार में, तो मुझे बाबा ने सिखाया है ऐसा व्यवहार करना। और बाबा ने हमें कैसे चलाया है, ऐसे ही मुझे सबको चलाना। बाबा ने हमें कितना प्यार से चलाया, बाबा ने हमें कितना दिल से स्वीकार किया। हम जो हैं जैसे हैं, क्या कहा बाबा ने, मेरे हैं। बाबा ने रिजेक्ट नहीं किया, घृणा नहीं किया, बाबा ने हमें दिल से स्वीकार किया। जब बाबा ने स्वीकार किया जो हैं जैसे हैं मेरे हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या है, जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा मुझे बनकर दिखाना। ऐसे नहीं जो है जैसे ऐसे ही बने रहे। भगवान ने तो स्वीकार कर लिया, ये उसकी महानता है, लेकिन हमारा भी फर्ज है, हमारा भी कर्तव्य है। तो मुझे लक्ष्य रखना है कि बाबा जैसा चाहते हैं मुझे ऐसा बन के दिखाना है। हम सभी ने जो सहज है, अनुकूल है और हमें जो पसंद है वो हमने किया, पर बाबा जो चाहते हैं वो करके दिखाना है कि नहीं। जो सहज लगता है, खुद को अनुकूल है, वो हम कर लेते, पर नहीं, शांति से बैठ के चेक करो बाबा जो चाहते हैं वो कौन सी बातें हैं जो अब तक मैंने नहीं की और वो मुझे करनी है। आधा कल्प सतयुग और त्रेता युग में हम किसके साथ पार्ट बजाएंगे, हाँ? हम ही आपस में होंगे ना। आधा कल्प सतयुग त्रेता युग में कौन आएंगे, हम ही सब आएंगे, अलग अलग नाम रूप से हम ही साथी बनेंगे ना। इसलिए हमें लक्ष्य रखना है कि हमें सब को संतुष्ट करना, सुख देना है, सुख लेना है, रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट लेना है। सारी दुनिया सम्मान दे पर घर वाले ना दे तो अच्छा लगेगा कि सारी दुनिया में मान है, अपने घर में अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कदर नहीं। इसलिए हर आत्मा को संतुष्ट करना और उसका सहज तरीका है।
बाबा जो कहते हैं ऐसे मुझे चलना है। बाबा जो बताता है वो तो सत्य तरीका है ना, भगवान की श्रीमत पर मुझे चलना है। अपने आप मेरे द्वारा सबको संतुष्टता मिलेगी, क्योंकि मुझे गलत करना नहीं। और तीसरी बात, जो भी संगम युग में सेवा करी है, संगम युग में भक्ति में भी जैसे दान पुण्य का लक्ष्य रखते हैं ना, कि कोई अच्छे कर्म करे, कोई धन से मदद करता है, कोई साधनों से मदद करता है, कोई बुद्धि से प्लानिंग करता है, कोई अपनी कला से मदद करता है, कोई समय से मदद करते हैं, है ना, कोई कार सेवा करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, क्यों करते हैं? हर कोई समझते है ना कि इससे सेवा अगर हम निस्वार्थ भाव से करेंगे पुण्य कमाएंगे। तो संगम युग में भी हम सेवा क्यों करते है ना, क्योंकि ये भक्ति में भी सिखाया जाता है कि सत कर्म में लगाना है। सत्कर्म संगम युग में ही होते हैं, तो लक्ष्य रखना है कि एक तो निस्वार्थ भाव से निर्संकल्प होकर, एक धक से हमें बाबा का कार्य करना है। मुरली में आता है ना कि भाई धन दान करेंगे धनवान बनेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे विद्वान बनेंगे, धर्मशाला खोलेंगे महल मिलेगा। सब कुछ एक साथ चाहिए तो संगम युग में मौका है बाबा के कार्य में हम सब कुछ लगाते हैं। पर शुद्ध सेवा भाव से, जो कुछ करना है शुद्ध सेवा भाव से। तन की शक्ति है, यज्ञ सेवा में तन लगाओ। यज्ञ विश्व कल्याण के लिए रचा गया है, हम ब्राह्मणों के द्वारा ही यज्ञ चलाना है, संभालना है। तन में शक्ति है, यज्ञ सेवा करें। ज्ञानदान की सेवा बाबा सदा कहते, आत्माओं को बाप का परिचय दो। जब तक आत्माओं को सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मा भगवान से नहीं जुड़ेगी, तब तक सदा काल के सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम सबको संदेश देते कि ना सेवा सब गांव गांव गए, गली गली में गए, घर घर में गए,
कितने प्रकार से सेवा की गई, अभी भी चल रही। क्योंकि बाबा के सत्य ज्ञान से हमारा जीवन सुखी बना तो हमें औरों का भी बनाना है। ऐसे नहीं कौन ये मेहनत करे, कल पहले जिसको आना होगा वो आएंगे, ऐसे नहीं। हमें भी कोई ना कोई बाबा के ज्ञान में ले आए ना, हमें भी कोई ना कोई प्रोग्राम के द्वारा संदेश मिला, हम जागे बाबा के बने, तो हमें भी औरों के लिए निमित्त बनना है। जितना यज्ञ सेवा करते हैं कर्मेंद्रियां शुद्ध होती है, देहाभिमान खत्म होता है, हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे तो हड्डी विगर का फरिश्ता बनेंगे, हड्डी सलामत रखेंगे तो फरिश्ता कैसे बनेंगे। फरिश्ता माना सिर्फ हवा में थोड़ी मैं लाइट हूं, ऐसे थोड़ी कोई लाइट होता है। हड्डियां लगानी है बाबा के लिए, बुद्धि योग बाबा से लगाते हैं, योग के वाइब्रेशंस फैलाते। आज हम योगी हैं तो कितनी वैल्यू होती है, हमने एक सेंटर में हम गए थे, 7-स्टार होटल में प्रोग्राम रखा था, तो उन्होंने हमें बताया कि इनका जो हॉल है महीने में एक संडे वो हमें देते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको देते हैं कि आप आओ और इसमें योग करो और वाइब्रेशंस फैला। अब वैसे हम कभी 7-स्टार होटल में जाते भी नहीं है, माना इतनी कहाँ कैपेसिटी उस होटल पर। क्यों हमें दी? क्योंकि हम योगी हैं, तो वैल्यू किसकी है? योग की। तो जहां कहीं भी जाते हो 2 मिनट वाइब्रेशंस फैलाओ। ये किसी के पास नहीं है, ये शुद्ध वाइब्रेशंस किसी के पास नहीं। हमारे मन बुद्धि बाबा से लगे हुए, हमारे अंदर विश्व कल्याण की भावना है, शुभ भावना शुभ कामना की बात की, अपनी विशेषताएं उनसे बाबा की सेवा कर। जितने सत्कर्म करेंगे और जमा करेंगे, दो चीज है, बाबा की सेवा में सफल करना, शरीर समय बुद्धि गुण कला धन संबंध, हर प्रकार से बाबा का मददगार बन। कई ऐसे कड़े संस्कार हैं और इतना योग भी नहीं कर पाते हैं, दिल से सेवा करें। जितना सत्कर्म जमा होंगे हिसाब किताब चुकत होंगे,
जिस भी रीति से आप बाबा का कार्य कर सकते, कभी ये नहीं सोचो इतना मैं नहीं कर सकता, इतना मैं नहीं लगा, पर किसी ने कहा ही नहीं ना इतना लगाओ, खुद दिल से जो कर सकते। तो वो है सफल, क्योंकि हर कोई किसके नाम लगा रहे हैं, बाबा, बाबा यज्ञ, हम कोई व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, बाबा को यज्ञ इस कल्याणकारी कार्य के लिए। वो सफल हुआ, पर वो जमा रहे तब जब निमित्त भाव से करे। निमित्त भाव में रहेंगे, निर्माण रहेंगे, तो वो जमा होता है। अगर मैंपन आता है जहां तहां वर्णन करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो उतना माइनस होता जाता है। इसलिए सफल करना और जमा होना दोनों फिलॉसफी अलग है। मैंने सेवा में ये टेबल लगाया, पर मेरा बुद्धि से अधिकार जाना चाहिए। मैंने ये टेबल बाबा की सेवा में लगाया, 4 मास के बाद ये टेबल सेंटर में दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं सोचती हूँ कि मैंने जो टेबल दिया था कहाँ गया। पता नहीं बहन जी ने बेच दिया। कहाँ गया, किसको? तो इसका मतलब अभी तक ये जमा नहीं हुआ, क्योंकि आपने पकड़ के रखा, आपने दे दिया ना, आपका जमा हो गया। अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जैसा उपयोग करूंगी मेरा हिसाब बनेगा, मेरा माइनस प्लस बनेगा ना। आपका तो बाबा को दिया, आपका जमा हो गया। पर ये निमित्त भाव अगर नहीं रहता है, मालिकपन रहता है, जहां तहां वर्णन करते हैं, तो बाबा कहते वो माइनस हो जाए। भाई मैंने पंखे लगवाए सेंटर में, अब लगा दिए, पर हम पूछेंगे भाई ये पंखे जो है कैसे लग रहे हैं आपको, तो आप कहेंगे बहुत अच्छे, तो धीरे से मैं कहूंगी ये मैंने लगवाए। बात तो ये थी कि बताना था ना, तो बताएं कैसे, तो फिर मेरापन आ गए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं निर्संकल्प होकर एक धक से, सोच सोच के नहीं, पूछ पूछ के नहीं। कई बार पूछते हैं ना भाई बहने आपस में, तुम कितना दे रहे हो, मैं इतना, ठीक है मैं भी, क्यों, इनकी आर्थिक स्थिति अलग है, आपकी अलग है, आप एक दोस्त से पूछ के कैसे कर सकते, खुद लगन से करो, खुद अपनी लगन से करो ना। मेरी कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से मुझे क्या करना है। तो इसलिए बाबा ने कहा है
कि जो समय पर भगवान को हमारी मदद कौन से समय चाहिए, संगम युग में अभी, क्योंकि हमारे द्वारा कराना है ना, क्योंकि हमें भाग्य लेना है, हमें प्रारब्ध पानी है, हमें पाना है तो हमें करना है, बाबा करेगा तो बाबा पाएगा, इसलिए बाबा हमें निमित्त बनाते हैं। तब बाबा कहते हैं समय पर एक धक से दिल से निर्संकल्प होकर जो मददगार बनते हैं उनको अंत तक मदद करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। उसे कभी वो विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है बाबा सदा मेरे साथ है। तो जितना जमा उतना ऊंचा भाग्य। ओम शांति। ओम शांति। दीदी ने कितनी सरलता के साथ विषय को स्पष्ट किया। अभी तक हम अपने अनुकूल जितना हम कर सकते हैं, जितना हम चल सकते हैं, बाबा की श्रीमत को अपने अनुरूप कर रहे हैं। अब बाबा चाहता है, जैसे बाबा चाहता है वैसा करने का समय है। इसीलिए आज बाबा ने भी सवेरे संदेश में हम सबसे गिफ्ट मांगा है, तो क्यों ना हम वो गिफ्ट बाबा को दे, बाबा जैसा चाहता है हम वैसे बन करके दिखाएं। सब साथ बड़े प्यार से दीदी ने विषय को स्पष्ट किया। हम सभी लखनऊ निवासियों की तरफ से दीदी जी का दिल